अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एंड्रॉयड टेक एंड एंड्रॉयड टेक खुशामदीद। वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं हूं अमीन और आप लोग देख रहे हैं एंड्रॉयड टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास डिवाइस आया है टेक्नो का डिवाइस, टेक्नो RBG7 टेक्नो स्पार्क 20। तो इस डिवाइस में जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है, नेटवर्क का मसला है इस डिवाइस में। तो किसी भाई ने फ्लैश किया था, फ्लैश के बाद जो है इस डिवाइस का सिक्योरिटी डेटा जो है वो करप्ट हो चुका है। तो आज हम इस डिवाइस के सिक्योरिटी डेटा को जो है रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्नो का डिवाइस है टेक्नो स्पार्क 20C जो कि हीलियो चिप में आ रहा है, हीलियो G36 चिप में, एंड्रॉयड 13 में चल रहा है। तो इस डिवाइस के जो चिपसेट का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का सिक्योरिटी है इसका। तो इसको जो है हम लोग रिपेयर करेंगे सिक्योरिटी को। तो चलो दोस्तों, रिपेयर करने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जो है वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिवाइस का जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। IMEI नंबर है वो करप्ट हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए आप लोगों को जो है PC में ले चलेंगे और डिवाइस का रिपेयर का प्रोसेस जो है वो आप लोगों को इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइस को जो है पावर ऑफ करेंगे। तो पावर ऑफ करने के बाद जो है PC की तरफ चलते हैं और डिवाइस को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों PC की तरफ चलते हैं। तो PC पे आ गए। PC पे आप लोगों ने जो है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए एक नया वसीला बन जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उस पे आप लोग जो है मेटा मोड जो है वो यूज़ करते थे रिपेयर के लिए। तो यहाँ पे जो मेटा टूल है, जो मेटा सर्विस है, ये इस डिवाइस में जो है काम नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे G36 चिपसेट यूज़ हुआ है। तो G36 चिपसेट का सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा हाई है। तो इसको जो है हम एक और मेथड से जो है रिपेयर करेंगे, जो कि हमारा मेथड है वो आप लोगों को जो है UMT से करना है। UMT टूल जो है वो तकरीबन 80% जो 80% के शॉप ओनर है उन लोगों के पास होता है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे UMT टूल के साथ। तो UMT का जो MTK मॉडल है वो आप लोगों ने रन करना है। तो यहाँ पे हमारा टूल जो है वो रन होने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है डिवाइस को जो है एंटीवायरस जो है आप लोगों ने PC में ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है UMT टूल जो है वो ओपन कर देना है। तो UMT टूल ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट आप लोगों ने, कुछ सेटिंग जो है आप लोगों ने यहाँ पे करने हैं। तो वीडियो को जो है आप लोग फॉलो करेंगे और आप लोगों को जो है कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हम लोगों ने जो PL एक्सप्लॉइट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। प्रीलोडर एक्सप्लॉइट जो कि लेटेस्ट मॉडल में, जो लेटेस्ट चिपसेट्स में जो है वो यूज़ होता है। तो PL एक्सप्लॉइट आप लोगों ने यूज़ करना है, जिसके UMT में बहुत से मॉडल जो है लेटेस्ट भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने DA में जो है इन्फिनिक्स सेलेक्ट करना है। इन्फिनिक्स सेलेक्ट करने के बाद इन्फिनिक्स का DA जो है सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है IMEI सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने जेनेरिक मेथड जो है इस पर क्लिक करना है। तो जेनेरिक मेथड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी जो है इंसर्ट करने हैं, सिक्योरिटी जो है आप लोगों ने इंसर्ट करना है। तो आप लोगों ने जो है ओरिजिनल सिक्योरिटी यूज़ करना है, जो कि इसके डिवाइस के बॉक्स में आते हैं। तो वही सिक्योरिटी आप लोगों ने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बॉक्स का सिक्योरिटी इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है डिवाइस को पावर ऑफ करना है, और पावर ऑफ करने के बाद जो है आप लोगों ने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने टूल में जो है राइट पर क्लिक कर देना है। तो राइट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो है डिवाइस का जो ओल्ड बैकअप है वो आप लोगों ने लेना है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ताकि हम जो है डिवाइस का जो ओल्ड NVDA डेटा है वो बैकअप कर सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने जिस ड्राइव में जो है बैकअप रखना है उस ड्राइव में जो है आप लोगों ने न्यू फोल्डर बनाना है, और वहाँ पे आप लोगों ने जो है NVDA डेटा को सेव कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है।
तो पावर ऑफ करने के बाद सिंपली केबल जो है इंसर्ट कर देना है, कोई भी की प्रेस नहीं करना है, सिंपली केबल इंसर्ट कर देना है। तो इसके बाद जो है टूल जो है आप लोगों को डिवाइस को डिटेक्ट करेगा। अगर आप लोगों के ड्राइवर इंस्टॉल हो MTK के ड्राइवर, तो ये टूल आप लोगों का सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है टूल का वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो MTK का जो रिपेयर सेक्शन है, तो ये वार्निंग पे थोड़ा जो है यहाँ पे UMT जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है पैनिक नहीं होना है, डिवाइस को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि वेट ही जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो उसके बाद जो है हमारा टूल जो है वो डिवाइस को जो है डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे हमारा टूल जो है वो थोड़ा वेट लेता है, अक्सर जो है ये वार्निंग पे जो है ये टूल जो है थोड़ा वेट करवाता है हम लोगों के साथ। तो ये वेट आप लोगों ने करना है। उसके बाद जो है टूल जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, तो टूल ने जो है अपना काम जो है शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले ये जो है डिवाइस का बैकअप लेगा, क्योंकि जो इसका ओल्ड सिक्योरिटी है, ओल्ड NV डेटा, वो जो है बैकअप करना लाजमी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों का लाइट चला जा सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने जो है बैकअप जो है वो लाजमी लेना है। तो बैकअप लेने के बाद जो है हमारा टूल जो है वो राइट के प्रोसेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NV डेटा जो है वो बैकअप हो रहा है, NV RAM जो है वो बैकअप हो रहा है, और बैकअप होने के बाद आपका जो न्यू सिक्योरिटी है वो राइट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी जो है वो राइट हो चुका है। तो राइट होने के बाद आप लोगों का डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली बूट अप हो जाएगा। तो बूट अप होने के बाद आप लोगों का डिवाइस जो है अक्सर जो है थोड़ा 15-13 सेकंड्स के लिए जो है आप लोगों का डिवाइस जो है वो अक्सर वक्त जो है वो स्टक हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का डिवाइस जो है वो बूट अप हो जाता है। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह के न्यू वीडियो जो है आप लोगों तक सबसे पहले जो है पहुंच सके। तो डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली बूट अप हो चुका है। तो उसके बाद जो है चलो जल्दी से जो डिवाइस का सिक्योरिटी जो है वो चेक करते हैं कि डिवाइस का सिक्योरिटी रिपेयर हो चुका है या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए जो है डिवाइस में जो है डायल पैड में जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है जो सिक्योरिटी का कोड है वो इंसर्ट करें। तो हमारा सिक्योरिटी जो है वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो वीडियो को जो है आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो भी स्टेप आप लोग मिस करेंगे तो उस स्टेप की वजह से आप लोगों का रिपेयर मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे हमारा रिपेयर जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है।